जय श्री राधे, जय श्री लड्डू गोपाल, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं देव सारतूड़ी आज आपको जो एक वीडियो के माध्यम से जो संदेश दूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आज तक आपने इस तरह की कोई वीडियो देखी होगी। मैं इस वक्त हूँ सकरपुर दिल्ली में, एक सरदार फैमिली के पास में, और हमारा जो है बहुत पुराना रिश्ता है, वास्ता है। लेकिन आज जब मैं इस घर में घुसा तो मैंने इस बालक को देखा था कि लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहा था, नरार सफाई करना, उनका भोग लगाना। मैं एकदम अचंभित हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। तो बिट्टू भाई राम राम, राम सत श्री अकाल। भैन जी राम राम, सत तुहानू श्री भी सत श्री अकाल, ते अकाल। तुहानू भी जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुद्दे की। अब मैं जानना चाहूँगा कि आप जी लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, पर आप ही बताओ, अपना नाम बताएंगे पहले। आप कब से पूजा कर रहे हैं? कितने साल हो गए? नहीं पता, ध्यान नहीं है? कोई बात नहीं। अच्छा, वन आप ईयर हो गए वैसे। एक साल हो ये गया, एक साल हो गया। एक साल से ज्यादा। अच्छा, नहीं, जब आप ये छोटा था जी 8 मंथ का ही था एटलीस्ट, अपनी नानी के घर गया तो इसकी नानी ने इसको वाहिगुरु वाहिगुरु सिखाया। तब इसको बोलना नहीं आता था क्लियर, अच्छा बट इसने बोलकर दिखाया वाहिगुरु जी इतना बोल के देगा। इंटरेस्ट इसको तभी से था भगवान में, अब अच्छा जो है वो इंटरेस्ट मतलब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। मतलब ये इसकी कहना का मतलब ये है कि भगवान जो है सब एक है, चाहे अपने वो धर्म को कोई ही भी मानता भगवान है और और धर्मों इनकी भी को सेवा करता है। इनकी भी सेवा करता है। सूर्य कहते हैं नहलाना वो धुलाना, कपड़े जो है इनके बदल के जाना, ये सब, और खाना खिलाना। हमारे में तो मीट मुर्गा बनता था, हम तो अपना खाने पीने मौज लेने वाले आदमी, पर ये गलत जगह पैदा हो गया। सच्चाई की मतलब बात यह है, ये कुछ नहीं खाता? नहीं 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 अंडा कुछ मीट नहीं कुछ नहीं, खाता। कोई अंडा बन कुछ जाए, अंडा मीट मच्छी किचन कुछ में नहीं, कुछ भी बन जाए तो वो कोशिश भी कर बिजली ली। ब्रेकफास्ट ही नहीं करता, बिल्कुल भी टच भी नहीं करता। बोलता है ये तवा भी गंदा हो जयपुर गया सब गए चीज। मैं और नवीन, वो जो ऊपर रहता था, तो गूंगा हम लोग, गलती 3-4 बजे पहुंचे। मैं चले कहीं खा लेते, तो वो बार था उसमें इसने पानी भी नहीं पिया। हम लोग मतलब जहां जबकि नाम सिंपल खाना खाया था हमने, वेज, पर इसने वो वहां बार वाली जगह पानी भी नहीं पिया। क्या मतलब ये करूं, लड़का जो है ना, घर में नॉन वेज बना देता है, ना और अगर किसी होटल में खाना खाना चाहते वहाँ मीट है या दारू है तो वह वहां खाना नहीं, नहीं खाएगा। और नहीं तो खाता। छोड़ो, जब ये हम मैं बनाती हूँ घर में, अगर चिकन मैं खुद भी नहीं खाती हूँ और अगर मैं बनाती भी हूँ उसे ट्राई करती हूँ बनाने, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ ऐसा हो जाता है टेस्ट जो में कुछ फर्क हो कोई जाता भी नहीं खा पाता। उसको हमने कितनी बार ट्राई किया और हमने सारा डॉग्स को डाल दिया, है, अच्छा टेस्ट में तो फर्क हो जाता कुछ है। भी नहीं, मतलब पता नहीं क्या चीज है, वो घर में बन नहीं पा रहा। अब मैं जब भी खाता हूँ मैं आइडी मार्केट मेट से लेके लेकर आता हूँ, आते हैं अपने लिए, और नहीं तो हम अपने लोग रूम खुद में ही बनाते खाते थे। हैं, अच्छा, अपने रूम में खाते हैं। यहाँ मतलब नहीं घर में खाते, बनाओ तो इस टेस्ट रूम में तो आता ही नहीं है, वो मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है इस रूम अच्छा का। एक मिनट है, अच्छा आपके मन में ये विचार कब से आया कि जैसे नॉन वेज नहीं खाना चाहिए? ऐसा क्या, कैसे, क्या लगता है आपको, कुछ बोलेंगे आप? वो अच्छा नहीं होता, जो भी खाते हो गंदे हो जाते। अच्छा, मतलब आपके मन में ये आ गया कि आप भगवान की भक्ति में लग गए आप। अंडा अंडा खाने में क्या बुराई है? वो भी अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता? बेचारियन का होता है, बेचारियन के लोग ले लेती है। सब मुर्गी का होता है हाँ, वो अंडा। मुर्गी का ही होता है, उसका मतलब उसका बेबी है। मतलब अच्छा वो नहीं चाहता हैन को भी मारे, किसी जीव को मत मारो, उसको मार के मत कहो मम्मा आपने कितने हैन खाए होंगे मार के। मैंने पहले छोटे में खाया था, मेरी मम्मा मुझे मार के खिलाती थी अब नहीं मैं, खाया। हाँ अब नहीं खाया मैंने। अच्छा, मतलब अब आप कुल मिला के ये है कि भगवान जी की भक्ति में लग गए आप। कितने साल के हो आप? अच्छा, नाइन सुबह कब उठते हो आप? 5 o'clock 5 o'clock, 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद सबसे पहले काम क्या करते हैं आप? आप बोलो। ये आज अगरबत्ती भी बुझ गई थी, मैंने इनको तैयार नहीं किया था 2 डेज से, फिर मैंने इनको अभी तैयार किया, फिर जल गई थी अच्छा, अगरबत्ती। कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको समय नहीं मिला और आप लड्डू गोपाल जी की जैसे सेवा नहीं कर पाए? मतलब कि जैसे मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड हाँ है, ये देखो यही कह रहा है ये कि देखिए, मतलब आज मैंने इन्हें नहलाया नहीं। ओ यही बता रहे हैं आप। हाँ ये बोल रहे ना अगरबत्ती बुझ गई थी, ये यही बता रहा है, क्लियर बोल नहीं पा रहा है आपको कि ये मैंने सुबह, इसने मुझे बोला मम्मा तैयार कर देना, मैं तैयार नहीं कर पाई, मैं अपने काम में बिजी थी, तो इसने आते ही मुझसे पूछा मम्मा आपने भगवान को नहला दिया? मैं बोला नहीं सॉरी बेटा मैंने नहीं लिया। फिर इसने अगरबत्ती जलाई तो वो बुझ गई, एक बार नहीं 3 टाइम्स वो बुझी हमारे रूम में, दूसरे रूम में जलती रही। अच्छा तो जी, वो साइन था कि भगवान जी इससे नाराज हो रहे थे कि आप अरे मुझे नहीं देख रहे अच्छा, हो क्या। एक अच्छा जी ये बात है। फिर जल गई थी फिर वो, शाम को जब आपने वो करा, हाँ फिर रेडी किया है मतलब जब इन्होंने। कभी ऐसा लेट हो जाता है आप क्या सॉरी मांग के जाते हो भगवान जी से कि भगवान यार टाइम नहीं है? मतलब ये आपका ये पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, ड्यूटी बन गई है। और जब से आप लड्डू गोपाल जी घर में लाए,
तब से आप आपकी फैमिली में क्या चेंज आया, आपके अंदर क्या चेंज आया? तब कृष्णा जी खेलते थे, कृष्णा जी को हम प्यार करते थे, मजा आ रहा था हमको। एक बात और पूछूं, जैसे पहले कभी ऐसा होता होगा कि आप मम्मा अभी उठना नहीं और सोना, और सोना है, लेकिन जब से लड्डू गोपाल जी घर में आया तब से ऐसा नहीं होता, मतलब एक ड्यूटी बन गई कि सुबह लड्डू गोपाल जी को प्यार करना। अच्छा जी, कभी नहीं रोया ये कि मुझे नहीं उठाने के चक्कर में, सिर्फ एक आवाज मारने पे उठ जाता है। चलिए, आप कुछ कहना चाहोगे? बोल। थैंक यू। मैंने आपकी वीडियो बनाई, जानते हो क्यों? खास करके कि आप एक सरदार फैमिली से हैं, ठीक, और जब मैंने देखा कि आप यहाँ लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप इसको मेरी वीडियो में देखना, पुनः गांव की ओर में। हमारा मकसद है लोगों तक अच्छा ही पहुँचाना कि कहाँ, अगर देखिए कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है तो उसको दिखाने के बजाय अगर हम, अगर कहीं अच्छाई हो रही है तो उसको दिखाएंगे। जब अच्छाई आ गई तो बुराई, बुराई जो है ना वो स्वतः ही समाज से गायब होने लगेगी। आप ये कह रहे हो, मुझे इनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैंने इनके कपड़े खरीदे तो मुझे नहीं पता था कैसे पहनाने, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में इनको पहना दिए। फिर मैं शॉप वाले अंकल से पूछ कर आई, उन्होंने बताया कि बेटा इनको ऐसे पहनाने, इनको ड्रेस इनका बेड तक ये लेकर आया, सुलाया उनको बेड पे अपने भगवान। अब गुरु ग्रंथ साहब चेंज चेंज करके देखो, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब लगे हुए हैं, वो इन्होंने सुलाए वहाँ पर कि हाँ उनको भी सुलाएंगे, इनको भी सुलाएंगे, शेयर करके ये सारे फ्रेंड्स हैं, आपस में बात करेंगे ना, मम्मा मम्मा ऐसे मिक्स मत रखो भगवान को, नहीं मम्मा सारे भगवान एक हैं, इनको बैठने दो, सबको बातें करने दो, एक दूसरे के काम करते हैं ना बातें, इन्हें भी करने दो फिर बातें। तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप एक विलक्षण बालक हो, और अवश्य जो है ये जो वीडियो है ये हर बच्चे को जो है एक पसंद आएगी, और जो है लोग जो है धर्म की तरफ लौटेंगे, संस्कारी बच्चे बनेंगे। जब हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे तभी हमारा जो है आपसे संबंध कोई भी चीज़ हो सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्यों जी, गलत बोल रहे सदा जी? बिल्कुल सही है सब।